अंतरायण उसके मस्तक पर ही दिखाने वाले। अब इतना खतरनाक ये है गोवंडी स्टेशन। आप लोग यहाँ से उतर के और यहीं पे सीधा राइट में सीधा चलते रहना पीछे की तरफ। तो ये जो रास्ता निकलेगा यहाँ से एक छोटा शॉर्टकट है, तो वहाँ डायरेक्ट आप देवनार की मंडी के लिए निकलोगे। क्राउड बहुत है, पब्लिक अपने को मिलना चालू हो जाती है। सब्सक्राइब करेगा ना, ये देखो ये राइट लेना है और यहाँ से सीधा चलना है अपने को। यहाँ से स्ट्रेट चलना है अपने को। कहाँ पानी हो रहा है? सामने देवनार का गेट है, एकदम सामने ये गेट है। ओ पैर गया, अरे मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो भाई लोग। तो वापस से अपन आ चुके देवनार मंडी आप लोग की फरमाइश में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने इस पर बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे, तो मैं वापस आ गया हूँ। कुछ वापस से भाव तो करने व्यापारियों से, वापस से मार्केट का रेट जाने। उस रोड पे पानी भरा है तो मैं इस रोड पर आया हूँ। ये है देवनार मंडी की एंट्रेंस दूसरी साइड की। यहाँ पर 4 से 5 गेट है, तो अपन यहाँ से चले वापस, व्यापारियों से बात करेंगे और देखता हूँ कि कितनी तादाद के बकरे रह चुके। वो जो बोर्ड था ना, स्कोर बोर्ड, वो भी चेक कर लेंगे अपन। और ये देखो आप लोग, यहाँ से शुरुआत है ये साइड में सब राइट साइड में। वैसे अपन भैंसों में इतना एक्सप्लोर नहीं करना, सिर्फ अपने को उधर ही जाना है, चलते डायरेक्ट। आ जाओ आ जाओ भैया जी, आ जाओ। सॉरी यार, आ जाओ भाई, क्राउड अच्छा है आज। मंडी तो ऐसी धमाल है, हवाखाने की व्यवस्था करी है। तो शायद से पानी निकल रहा है या पानी जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ फट चुका है। वो क्या हो रहा है ये? अच्छा वो पानी निकाले, वहाँ से पानी निकाल के फेंक रहे थे। कमाल है, पूरा पानी भरा वाले रोड पे, तो वो लोग निकाल रहे हैं। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं वाड़ाओं में, क्योंकि आपने ये रोड देख चुका है मेरे लास्ट ब्लॉग में। और डायरेक्ट उन लोग से बात करें, बस एक स्कोर बोर्ड चेक कर लेते हैं कि कितने रह चुके हैं, कितने बिक चुके हैं। ये दूसरा गेट है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा एकदम पानी पानी हो रहा है। और तो हम लोग दूसरे रास्ते से आए। अरे बोर्ड में कितना रह गया, कितना बिक चुके हैं? 70,600 बिक चुके हैं शायद से। आवक 74,463 थी, पहले कितने थे मेरे को याद नहीं, शायद से कम ही थे। इतने ज़्यादा कैसे हो गए? वापस आई रही गाड़ी। सलाम भाई, क्या नाम है आपका? इरफान कुरैशी। इरफान जी कहाँ से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से, तो क्या माल है अपने पास, कौन कौन सी जाति का है? गुजरी। गुजरी गुजरी है सब जी, सिरोही गुजरी। अच्छा, क्या क्या रेट है? ये बकरा है, हाँ, ये 35,000 रुपये। अच्छा, अंडूल है ये? अंडूल देने वाला कर लेंगे कम, 32। फिर भी एक आखिरी बताओ, 30-32 तक कर। यार क्या, कितने किलो का होगा ये? 80 किलो बैठो, 80 किलो 35। ठीक है, रेट बढ़िया है। और नग के हिसाब से दे रहे हो, किलो के हिसाब से? नहीं, नग के हिसाब से। कुछ 15,000 में है, 10-15 में शुरुआती? हाँ, इसका 12,000 रुपये लेंगे। देने वाला? और 1,000 रुपये कम दे देंगे, और 1,000 रुपये कम ले लेंगे। अगर 7-8 में दे दोगे? नहीं, 9 में। 9-10,000। 9 में? यार ये बढ़िया चीज़ दिखाए हो यार। कितने किलो होगा ये? इसमें करीब होगा 35 किलो। इरफान भाई यार, चीज़ तो बढ़िया दिखा रहे हो आपका, माशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छा है। क्या वाड़ा नंबर है आपका? वाड़ा नंबर है 157। 157 नंबर बोलो अपना। S3। आपका नंबर बोलो, फ़ोन नंबर। 99। हाँ, 99 28
01 01 87 87। सो भाई लोग इरफान भाई ने अपने को दो तीन चीज़ें दिखाई माशाल्लाह, उसका रेट तो बहुत बढ़िया दिखाया है। आप लोग भाव तो करोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये पूरी मंडी आपके पास है ना, पूरी अपनी है, बहुत बढ़िया रेट है भाई इनके पास। तो 9000 से बकरा स्टार्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग यहाँ आए, भाई का नंबर मैं डाल दिया और आपने भी बोला भाई ने, तो अगर आपको कुछ चीज़ देखी है तो भाई के पास आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, यार ज़बरदस्त रेट दिए यार। अरे कितने किलो का है ये बकरा? 150 किलो। 150 किलो जबरदस्त है। थोड़ा किचपिच किचपिच हो रही है बारिश की वजह से, लेकिन इन लोग ने पूरा नीचे का कंक्रीट का बना दिया तो इतना कुछ गंदगी नहीं है जैसे पहले होती थी। अभी तो बहुत अच्छा हो गया, मेंटेन भी अच्छा कर रहे हैं। आप लोग देखो ना, जहाँ तक आप लोग की नज़र जाएगी ना वहाँ तक पूरी मंडी, एक इस साइड एक उस साइड एक उस साइड। तो बकरे भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अब दूसरे वाड़ा में देखते हैं, वहाँ पे कोई था उसने प्राइस बताया नहीं, तो बेचारा बोले मामा से पूछ लो। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद समीर। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किधर? अकोला। क्या माल लाए हो बताओ जरा? ये मेंढा है। अच्छा मेंढे तुम्हारे क्या रेट है? ये बकरा है 55,000। ये मेंढे का 55 और ये बकरे का 40,000। देने वाला क्या है? 30,000 का। 30,000 देने वाला है? मतलब शुरुआती कितनी है तुम्हारे पास से? इसके 55,000 रुपए ये बकरे की। शुरुआती कितनी? शुरुआती 50 बोले। 50 तक आओ। और 30,000 से स्टार्ट है ना? 30,000 से स्टार्ट, 50,000 से लेके 30,000 रुपए तक के बकरा मिलेगा। यही रोड पे लगा रहे हो ना मंडी? बकरा नुकसान का बकरा मिलेगा। अच्छा, सही बकरा देगी आपको अल्लाह के वास्ते। चलो बढ़िया है, बेशक एक जरा सा भी नुकसान आएगा बकरे के अंदर। ठीक ठीक ठीक। आपको बोला दबापुरा बाणपुरा चौक, मैं यहाँ से आपका लोकेशन डाल देता हूँ, जो उसको लेना होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, बेशक शुक्रिया दादा। बकरा भीगा नहीं रहना चाहिए, फिर भी साफ है, बहुत साफ बकरे। तो यहाँ भी आ जा, बकरे तो कहाँ नहीं है यार, लाखों की तादाद में बकरे बकरे ही बकरे देख रहे हो। क्या है, किससे भाव तो करें। क्या नाम है भाई आपका? रोज जी। कहाँ से आए आप? साकिना का। दातार गुड फार्म। दातार गुड फार्म से। तो सर ये माल कहाँ का है? ये राजस्थान। राजस्थान का क्या है? सोजत कौन सी जाते? ये गुलाबी बच्चे सोजत। सोजत तो कुछ दिखाओ ना जबरदस्त वाला, वो दिखाओ ना भाई, वो वाइट वाला पतीरा है वो। वैसे आपके शुरुआती क्या है पैसा, कितने हजार से कहाँ तक है? 20,000 से लेके लाख रुपए तक। 20 से लाख तक सारे अंडू ले खस्सी है? खस्सी अंडू दोनों। ओहो माशाल्लाह जबरदस्त। ये कितने किलो का होगा? ये हाँ 93 है। 93। और एक कुछ और दिखा दो। अच्छा बाकी माल तो तुम्हारा सारा ही अच्छा है। सारे सोजा तो पतीरा ही है शायद से, और चीज़ अच्छी है ज़बरदस्त। रेट भाई ने बोला है कि 20,000 से लाख तक का माल है। आप लोग आओगे तो मैं वहाँ रेट कर दूँगा, क्योंकि रेट बताने पे लोग आते हैं वीडियो देख के प्राइस पकड़ के बैठ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओहो हो 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 भाई क्या है यार, ये माशाल्लाह घोड़ा है, ये तो ज़बरदस्त क्या चीज़ है। ये सब भाई सेल्फ ब्रीड है ना, भरा वाला फूका वाला काम तो नहीं है ना? सब सेल्फ है। सेल्फ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार माशाल्लाह। क्या हाइट है इसकी? इसकी लेंथ 4.5 होगी। 4.5। तो अगर आपको इसका प्राइस वाइज जाना तो भाई के वाड़ा नंबर क्या आपका? बारह नंबर दो। S4। S4 है। आप लोग यहाँ पे आके भाई के देख सकते हो, सब माशाल्लाह ज़बरदस्त माल है, एक्टिव है सब कुछ और अच्छी चीज़ है। हाँ बैनर वो है दातार गुड फार्म और कुर्बानी। ओहो हो भाई नो डाउट यार। इसका कितना वजन होगा? वजन कितना? हाँ 220। इतना इसी इसका इसका एक पूरा एक एक रहेगा ना? 100 100 किलो 119 किलो का है। 119 किलो और भी ज़बरदस्त चीज़ है वो। नहीं भाई चीज़ अच्छी दिख नहीं रहा है। आप लोग ऐसे देखो तो समझ में आएगा, कैमरे में शायद चीज़ छोटी दिखती हो, ये देखो तो घोड़ा है ये पूरा भाई। एक चीज़ और निकाल के ला रहे अच्छी,
प्राइस आप लोग को खुद देखना पड़ेगा यहाँ आके। डील जब डन करोगे तो प्राइस आपको अच्छा, प्राइस कुछ अच्छा मिल जाएगा, प्राइस तो बढ़िया मिल जाएगा ना, रेट पर तो गुंजाइश हो जाएगी ना, रेट में गुंजाइश हो जाएगी, बस आप लोग को आके पसंद करना है बकरा, फिर डील करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओह ज़बरदस्त चीज़ है भाई, सब भाई क्या चीज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो अब आप लोग आए यहाँ पे और देखें, सारी चीज़ बहुत अच्छी है। ओके तो खड़ा है तो जितनी मंडी हो रही है मैं उतनी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, थोड़ा कीचड़ वीचड़ भी है लेकिन ठीक है, कॉन्क्रीट इनका काम किया लोग ने तो सब बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी दूसरी मंडी चलते हैं, वहाँ पे बहुत हो करते, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी या फिर मैं पार्ट में भी डाल सकता हूँ, तो देखते कितनी वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा उसी हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसका आप क्या मांग रहे हो? 17,000। 17 कौन सी जात है ये? सोजत है। सोजत यार एकदम आखिरी रेट है आपका ये। और दूसरा बताओ कुछ? ये देखो 18। आपको नहीं लगता थोड़ा रेट ज़्यादा है? ये बताओ, ये देखो सर। हाँ इसका रेट इसके 35,000। 35 देने वाला? अच्छा अच्छा जो आएगा बार्गेनिंग देख लोगे ना। चलो ठीक है। वाड़ा नंबर क्या आपका? S4 के अंदर। S4 के अंदर? S4 के अंदर ही है। अब भाई लेफ्ट साइड में एंट्री में बैठते हैं तो आप लोग देख लेना जो भी रहेगा। इसका 30,000 जो आएगा उससे व्यवहार करोगे आप? ठीक है चलो बढ़िया है। ठीक है भाई शुक्रिया। ये पूरी मंडी है, अब मैं एक एक तो एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ऐसा तो मेरे को महीने लग जाएंगे। भाई का रेट तो बहुत ज़्यादा था पर ठीक है, आप लोग वो जो व्यवहार करेगा जिसको बोले ना ले रहे हैं ये तो उससे प्राइस कम हो जाएगा। बारिश है, कुछ बकरे गीले हैं, कुछ का ज़्यादातर बकरे गीले के बेचारे, पर ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप यहाँ होगा तो 4-5 घंटे आराम से निकल जाएगा अंदर। अंदर चलते हैं। लगता ना कि मुंबई में धोबी घाट कैसा एकदम ऐसा भरा भरा रहता है, सेम वैसा ही है, क्या करें क्राउड इतना है, बकरों की तादाद ही लाखों में। हीरा बोकड़? और से हीरा बोकड़ क्या होता है भाई? और ज़रा कुछ अंदर देखते हैं। तुम्हारा है क्या? तुम्हारा है क्या? मांग रहे क्या मांग रहे हो? मांग रहे बोले कीमत 9,00,000 बोल रहे मैंने। कितना? 9,00,000। देने वाला क्या है? देने वाला तो आएंगे कि रेट कम ज़्यादा करेंगे। 9,00,000 का क्या खास है? 9,00,000 क्यों? वजह? चांदारा बस, चांदारा के वास्ते। कहाँ चांदारा? ये मस्तक पर। मतलब चांदारा है उसके मस्तक पर, ये दिखाने वाले। अब इतना खतरनाक तो ये चांदारा इसकी वजह से तुम इतना बेच रहे हो? इसके लिए। अरे बाप रे 8,00,000। रुको जरा इसको तरीके से वीडियो बना दो यार, इसको वैसे करो ना जैसे किया था उसने, इसको हाथ टच कर। गुस्सा गुस्सा बाप रे। तो ये भाई का 8,00,000 की डिमांड है और कितने में दे सकते हो? 5-7 तो दे सकते हो ना? 5-6 लाख। 5-6 लाख तक ही देना है चांद तारे की वजह से। तो देखो छूने का ना चांद तारा तो कैसे करेगा वो, फुल चार्ज है वगैरह। नहीं भाई खतरनाक है। क्या कपड़ा और चांद है? जोर से बोलो। कपड़ा और चांद है? कपड़ा और सादा चांद। चांद दिखाओ। कितना मांग रहे हो उसका? खसी अंडूल है? क्या है? कहाँ चांद? और ये तारा? हाँ। इसका कितना? 8,00,000 रुपये? 7,00,000। और अल्लाह के ये क्या है? अल्लाह। अच्छा ये अल्लाह लिखा है। चला कहाँ से आए हो? गांव कौन सा तुम्हारा? सांगली। सांगली से आए हो? 8,00,000 डिमांड है भाई की, बढ़िया है। ठीक है चलो अच्छा है।
सबका मार्केट है अपना अपना, सबकी चीज़ है, जो चाहे मांग सकते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज जी कहाँ से है भाई? मुंबई की। मुंबई की क्या जी? तो ये माल कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान का अपना शौक है, बोल के आप उसकी बकरी लेके आई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या क्या माल है अपने पास, कौन कौन सी जाती है? अलग अलग टाइप की ब्रीड है भाई। फिर भी सोचत था, सब खत्म हो गया, बड़े बड़े जो अपने ब्रीड थे ठीक है अब खत्म हो गए हैं। अभी अवेलेबल क्या है? कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने पास। शुरुआती क्या है आपके पास प्राइस? 13,000। 13 से कुछ 13 का माल बताओ ना, फिर कुर्बानी कर सके। दिखाओ बैग 13 का एक माल, एक सबसे कम और एक सबसे महंगा और एक 15-20 तक का। अच्छा इसमें बच्चे दो आती है। हाँ ठीक है, 13-14 के रेंज पे। ओके देने वाला लास्ट अपना वही है भाई, ठीक है अपन ज़्यादा मार्जिन रखे नहीं कर रहे। अच्छा जो है आप एक रेट दे रहे हो, कुछ गरीब से गरीब 20 तक का दिखाओ ना माल, कर पाएंगे 20 तक का बजट है 25 तक में भाई। क्या माल तो माशाल्लाह बहुत है और रेट भी ठीक है, बहुत अलहमदिल्ला अपने बिक गए। इसका 20 18,000 रुपये। 18 कितने किलो वजन ये? 25 किलो। 18 तो एक किलो के हिसाब से दे रहे हो आप, नग के हिसाब से? नग के हिसाब से। नग ना किलो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अराउंड 60 प्लस अपने भेज दिए भाई। ओह क्या बात है माशाल्लाह, सही बात। तो आपका वाडा नंबर क्या भाई? F4 गाला नंबर 7। हाँ एक बार नंबर भी बोल दो अपना। 8286-220-335-335। तो भाई का नाम भूल गया, फैज भाई है। यहाँ पे आप भाई से माल ले सकते हो, अगर आपका 10-12 का बजट, 12 का बजट स्टार्टिंग, 12 से 40 तक में बहुत बढ़िया माल है, तो आप आए और फैज भाई से मिले, मुलाकात करें। शुक्रिया भाई, थैंक यू। चलो अभी दूसरे वाड़े में चलते हैं। एक मिला हुआ यूट्यूब। सोजत देने वाला क्या है है? बताओ अपने लिए लेना यार, थोड़ा उधर करो उसको, थोड़ा जानवर वहाँ लो ना, वाला जानवर उधर लो ना थोड़ा। क्या वजन होगा इसका, कितने किलो का होगा अंदाजन, कितने किलो का होगा? अच्छा तो कितने रुपए का ये बताओ, देने वाला रेट बोलो। 20 में जाओ है? 22 का या 20 में ले जाओ। 20 में ले जाए यार, इतना बजट ना है। कहाँ को माल है, कहाँ को माल है, माल कहाँ को है ये है? अच्छा चलो ठीक है, राजस्थान। यार तुम लोग शेयर वेयर करोगे नहीं, सपोर्ट वपोर्ट करोगे क्या? नहीं हाँ कभी करोगे? यही है कि पैसे लेके खड़े रहो, हाथ में पैसा दबाओ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पैसा देने रेडी है बट वो डील पूरी हो नहीं पा रही है। 25 से कम में अच्छा बकरा लेना बहुत। ये स्कूल के बच्चे आते हैं मस्ती करने, लेकिन अपने को सपोर्ट भी ये लोग ही करते हैं। सब्सक्राइब करोगे ना? कहते मजे आ रहे हैं, स्कूल के बंक मार के है ना तुम लोग? नहीं ना, छुट्टी हो गई। चलो अच्छा है, गांजा मार रहे नहीं रे, अच्छे बच्चे। तो क्या नाम भाई आपका? कहाँ से आयो? राजस्थान से। थोड़ा जोर से बोलना। और राजस्थान से तो क्या माल है अपने, कहाँ का माल है ये? सारा राजस्थान का ही है? ये राजस्थान का केराड़ी माल है। अच्छा क्या क्या, कौन कौन सी जाते? इसमें कोटा नस्ल है। हाँ केराड़ी नस्ल है। केराड़ी और राजस्थान में भिलवाड़ा वाली नस्ल है। शुरुआती प्राइस कितना है? हाँ पहला मतलब रेट कितने में करिए? 12 से स्टार्ट है, 10,000 से स्टार्ट है, कितने से रहता है? 15,000 से। कौन सा है 15,000 में, दिखाओ जरा। पंद्रह में लाओ। कितने में दोगे ये आखिरी, कितने किलो का है ये? अरे बहुत छोटा नहीं है, वजन वाला नहीं है, वजन कुर्बानी बकरा। कितने में दोगे एक आखिरी बताओ ना? वजन से नहीं बिकता। वजन से नहीं, कितने में दोगे? 38 बोलता है। 14,000 लास्ट है। 14,000 बहुत छोटा नहीं लग रहा तुमको? नहीं है छोटा कहाँ है, तो क्या बात कर रहे हो? चलो कुछ और दिखाओ, एक 20,000 तक का माल दिखाओ। 25,000 25 में। ओ भाई ने इसका 25 दे दिया है। 25 में देते हैं तो बोल। नहीं देना। हाँ ये इसका तुम 25 में नहीं दोगे? क्यों यार, क्या है पब्लिक है यहाँ पे यार। और उसका कितना है ये? 20,000 का। हाँ 20
यार सही रेट तो दिए भाई ने। तो ये वो क्या लोग कितना फर्क है, ये पसंद है तो वो पसंद नहीं है। 25 दिया है भाई ने और भाई राजी नहीं हो रहे, अलग बात है। यार देखो इसका क्या बोलते हो, हाँ लास्ट 32,000 है। 25 दूंगा अगर होता है तो बिस्मिल्लाह कर दे बेटा, पैसे लेकर निकले हम तैयार हैं। मैं इधर 32,000 लास्ट है देने वाली, 25 लाख इसका बेटा। आगे थोड़ा राजस्थान। ये अंदाजन कितने किलो का बकरा होगा, अंदाजन कितने किलो होगा वजन बड़े बकरे? अरे अंदाजन इसके आसपास ना ना 50 किलो तो होगा हमसे। 50 किलो 60 किलो 60 किलो है ना, तो 60 के हिसाब से भी लगाओ तो यार। हाँ मतलब देखो भाई मार्केट थोड़ा टाइट है तो ये थोड़ा आओ नीचे कर लो भाई, जब खड़े हो लेने के लिए यार रेट देख खत्म करो। कस्टमर कहाँ है यार, देने वाले पैसे बताओ। 1,000 रुपये बढ़ा दूंगा। 26 कर रहे हैं ना, खत्म करो। हाँ चलो भाई नहीं तो भाई 26,000 है वो बकरा नहीं दिए। लास्ट क्या डिमांड है तुम्हारी इसकी? लास्ट 30,000। 30 में तो देने वाले पैसे, देने वाले बोले भाई ने पैसे। चलो बढ़िया, भाई के माल है, भाई को पता है किसमें बचत है किसमें नहीं, ठीक रेट है भाई का। चलो सही। बड़ा नंबर क्या आपका? S4। तो भाई को उसमें रेट में नहीं जम रहा रहेगा पैसा, जाहिर सी बात है कोई अपना माल छोड़ता नहीं है। अगर 4-5,000 ही बच रहा है, नहीं बच रहा रहेगा तो भाई ने 30,000 में वो 25 में वो बकरा नहीं दिया, 26 में भी 30 भाई की डिमांड थी। ये देखो कहता मेरा बकरा रस्सी खा रहा है ये। हाँ ठीक है, तो S4 नंबर है, नंबर बोल दो अपना मोबाइल नंबर। हाँ मोबाइल नंबर बोल दो। 96-72 0-0-40-40-933। तो भाई क्या माल बहुत है, इसमें से कुछ भी चाहिए आप लोग को तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और प्राइस देख लेना आपको जो जमेगा भाई, हमारी तरफ से कोई आता है वीडियो देखकर तो थोड़ा रहम खा लेना। कर देंगे हैं, कर दोगे? बढ़िया भाई शुक्रिया, चलो मिलते हैं प्यारे लाल जी। ये बारिश चालू हो चुकी है देवनार में और क्या बोलते हैं मेरी बैटरी भी ख़त्म होने वाली, तो 4 से 5 व्यापारी लोग से मैंने वो कर लिया है। सामने जाते जितना होगा 8% रिकॉर्ड कर लूँगा। बाकी यही मेरा लास्ट व्लॉग है देवनार मंडी का भी और बकरों से रिलेटेड भी। क्या बोलता हुआ लेना बाबा, ये लेना लिया क्या, ये लिया क्या, क्या बोल रहे? 35,000। 35,000 कितना बोले हो तुम लोग? हम लोग बोले 30,000। सही बोले हो, देख लो हो जाए तो बता मेरे को। तो बारिश चालू हो चुकी है, बैटरी भी लो है, तो ये ऑलरेडी मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका था उसमें क्या बोलते हैं मेरे लास्ट ब्लॉग में, आप लोग चेक कर सकते हो। मार्केट अभी भी उतना टाइट है, कुछ इतना कम हुआ नहीं, प्राइसिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये कि भाई अरे मेरा हवा गिर गया क्या रे। सब्सक्राइब करियो चैनल, सब्सक्राइब करने का क्या करने का चैनल बता दो पहले, तू सूख जा। ये बकरा मंडी है, पूरा कीचड़ है रे। तो अपन इसको ब्लॉक को जब तक चला है जब ख़त्म हो जाए तो समझ जाना आप लोग कि मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई और मेरा ब्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका हूँ, व्यापारी लोग से बात कर चुका हूँ, बहुत सारों से बात की थी, रेट वही है, कोई डिफरेंस नहीं है रेट में। क्या हो गया बेटा, देखो खांसी कोई क्या? तो ये लास्ट है, यहाँ से अपन निकलते हैं डायरेक्ट घर की तरफ। जब तक कंटिन्यू है कैमरा कंटिन्यू है, तब ऑफ हो जाए आप लोग समझ जाना कि ख़त्म हो गई बैटरी और अपना ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू रोल कर रहा हूँ और देख लो यार, कस्टमर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कस्टमर है, बेचारे व्यापारी सब ऐसे ही बैठे हुए, गिने चुने लोग आते हैं, थोड़ा ऐसा रेट देते हैं कि उनको जमता नहीं तो वो बकरा छोड़ देते, लेकिन कौन अपना माल नहीं बेचेगा, हर कोई चाहता है मेरा माल बिके, लेकिन नहीं जम रहा रहेगा रेट उन लोगों को, तभी वो लोग नहीं दे रहे ना यार, तो कोई रीज़न होगा। बढ़िया जानवर है यार। नहीं बाबा जा रहा हूँ, खाना बन जाए एक नंबर चला, और रोटी बना रहे बकरे हैं। एक लास्ट रीस्टार्ट किया है मैंने,
क्या बोलते हैं अपना बैटरी निकाल के, तो कुछ 2-3% की बैटरी मिली है मुझे आप लोग के लिए लास्ट एक्सप्लोर करने की। लेकिन ये कि आप जब भी देवनार आओगे ना तो आपका दिल नहीं भरेगा यहाँ आने से, इतनी तादाद में बक रहे हैं यहाँ पे। किसको कह रहे हैं? ये देखो है ना जानवर, ये मेरा लास्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा लंबा है तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन आप लोगों को 100% मज़ा आएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ ना वैसा ही आप लोग को फुल HD क्लैरिटी में मिलेगी, 2K वीडियो रेजोल्यूशन में। जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ वही आपको दिखाऊंगा। तो कुछ खाने पीने का भी यहाँ इंतज़ाम है, पीछे बिरयानी भी मिलती है, सब बढ़िया है। ये एकदम लास्ट 2% बैटरी रह चुकी है, लास्ट जाके अपना ब्लॉग ख़त्म होने वाला है। तो भाई की वीडियो को बहुत सारा शेयर।